कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खाद्य तेल बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, आज हफ्ते की शुरुआत में बात करते हैं वनस्पति पामोलिन और सोया के बारे में। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टैंकर्स की किस तरह की कीमतें चल रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड बाजारों में खाद्य तेल बाजारों में आज देखा जा रहा है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो खाद्य तेल बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो CBOT सोयाबीन और सोया तेल में आज हल्की कमजोरी के साथ कारोबार देखा गया और साथ ही चीन के बाजार में पाम और सोया तेल में मजबूती आज बनी हुई है। मिले जुले संकेत मिलने की वजह से KLC में भी आज हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही कारोबार हुआ। KLC की नजर मलेशिया के पाम तेल एक्सपोर्ट और उत्पादन के आंकड़ों पर नजर आ रही है और KLC में जो रेजिस्टेंस का लेवल बाजारों में देखा जा रहा है वो 4280 का रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर टिकने पर अच्छी बढ़त बनने की उम्मीद नजर आ रही है। अब इसके बाद आज की कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं तो वनस्पति की जो कीमतें चल रही हैं लूज में, जो आज कीमतें हैं बाजारों में वो उनमें ज्यादातर आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादातर स्थिरता के साथ कारोबार देखा गया है। वनस्पति में 15 लीटर की कीमतें 1550 रुपए पर स्थिर है। पामोलिन की कीमतें आप 15 लीटर में 1830 रुपए देखकर चल सकते हैं। पामोलिन में 1 लीटर की जो कीमतें हैं बाजारों में वो 122 रुपए चल रही हैं। सोया ऑयल में 15 लीटर का रेट 19। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 1905 रुपए देखा जा रहा है। सोया ऑयल में 1 लीटर की कीमतें 126 रुपए बाजारों में चल रही हैं। इसके अलावा फॉर्च्यून में 15 लीटर की अगर बात करी जाए, फॉर्च्यून का रेट 2070 रुपए आज चल रहा है और 1 लीटर की कीमतें 142 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर टैंकर से कीमतों के बारे में बात करते हैं तो सरसों में बाजारों में आज तेजी के साथ कारोबार हुआ है, लेकिन आज सोया में बाजारों में आज थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज करी गई है। राइस ब्रांड के टैंकर का जो रेट बाजारों में चल रहा है उत्तर प्रदेश में वो 120 रुपए है। सोया ऑयल की कीमतें 128 रुपए है। सोया डीओ की कीमतें बाजारों में 126 रुपए चल रही है। मस्टर्ड और एक्सप्लोर के बारे में बात करते हैं, मस्टर्ड के टैंकर का रेट 141 रुपए चल रहा है और एक्सप्लोर के टैंकर की कीमतें बाजारों में आप 139 रुपए देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा पामोलिन की कीमतें बाजारों में 125 रुपए देखी जा रही हैं। तो विदेशी बाजारों की वजह से बाजारों में आपको हल्की फुल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन लूज में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं देखा गया है। ज्यादातर जो दाम है बाजारों में वो लूज में वो इस वक्त स्थिर ही नजर आ रहे हैं। जरूरत के हिसाब से ही हम आपको गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह देंगे। बाजारों में ओवरऑल ट्रेंड इस वक्त के लिए फ्लैट नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।